नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये मेरा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको बेसिक प्लस माइनस समझाया है और आज उसी के थोड़े एडवांस क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने समझाए थे आपको वो नंबर लाइन के ऊपर समझाए थे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 9 - 5 + 2, ये हमारी नंबर लाइन है। यहाँ पर हमने जीरो लिया, इसमें राइट हैंड की साइड होते हैं प्लस के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट हैंड की साइड हमारे होते हैं माइनस का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 9, इसके पहले कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस 9। तो हम चलेंगे यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे, हमेशा प्लस है तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, मतलब सीधे हाथ पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे अगर प्लस आएगा, और अगर माइनस आता है कहीं भी तो हम वापस आ जाएंगे, वापस उल्टे आ जाएंगे वापस अगर माइनस आता है। इस नंबर लाइन पर हमें इसी तरीके से चलना है। तो पहले है 9, तुमने यहाँ से स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हम पहुँचे यहाँ पर। फिर है हमारा -5, माइनस है, कुछ हमें माइनस करना है, मतलब पीछे चलना है, अब आगे नहीं बढ़ना, पीछे चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, हम आ गए 5, पीछे आ गए 5। फिर ये बोल रहा है +2, तो हम यहाँ पर आ गए थे, +2 मतलब हमें आगे बढ़ना है, तो हम दो कदम आगे बढ़ेंगे, 1, 2, हम आए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आया 6। क्या आया 6 जो है हमारा, वो क्या है, प्लस, क्योंकि जीरो से आगे सारा प्लस है, ये सभी हमारे +1, +2, +3 हैं, तो ये हमारा प्लस का 6 है। तो इसके पहले हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, खाली छोड़ देंगे, पहले कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का है। तो इसका आंसर क्या है, 6। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8 + ब्रैकेट के अंदर है 2 + 1 - 4 - 2, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस माइनस उसको करेंगे, 8 + 2 + 1 = 3, -4 - 2 = 2। अब देखो जो अंदर था हमने वही क्या ऐड किया और लिख दिया, ये माइनस किया और लिख दिया, जो बाहर साइन था वो हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया, ये हमने ऐसे ही एज इट इज़ लिखा, 2 + 1 = 3 हमने यहाँ लिख दिया, 4 - 2 = 2 हमने ये लिख दिया, ऐसी ऐसे बिल्कुल लिखते हुए चलेंगे, नीचे सोल्व करते हुए चलेंगे इसको। फिर क्या होगा, 8 और प्लस 3, अगर नंबर लाइन पे चलते हैं आगे चलेंगे, 8 के बाद 8 चले, फिर 3 भी आगे चलेंगे, तो ऐड हो जाएगा 8 और 3 = 11, -2, आगे हम चले थे 11, अब पीछे चलना है दो कदम पीछे चलेंगे, तो 11 में से 2 जाएंगे, 9 आंसर आएगा इसका। सेम इसी क्वेश्चन को साइन चेंज करके हम करते हैं, देखिए 8 मैं साइन चेंज करूँगा, ये वाले बाहर वाले 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2 + 1 माइनस का प्लस 4 - 2, देखिए क्या आएगा, 8 - 2 + 1 = 3 प्लस एज इट इज़ 4 - 2 = 2, ये क्या होगा, 8 + 2, हम साथ में लिख लेते हैं इसके, 8 + 2 - 3, अब क्या होगा, 8 और 2 = 10 -3, मतलब इसका आंसर है 7 आंसर।
अब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, बड़े गौर से देखना सभी। फोर्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 6 माइनस 8। देखिए अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले। तो 6 एज इट इज आएगा माइनस 2 माइनस 4 क्या आएगा, अगर कभी भी एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमेशा हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 2, और साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा बड़े का ही साइन लगाएंगे। बड़े बड़ा है 4, 4 का साइन है माइनस, आएगा माइनस। अब देखिए नंबर लाइन के ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे आया। ये है 0 1 2 3 4, ये सभी हैं प्लस के, इधर 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। पहले क्या है 2, प्लस का है 2, तो हम 0 से सीधे हाथ की तरफ चलेंगे प्लस की तरफ 2, दो कदम चले यहाँ पहुँचे। अब ये कह रहा है माइनस 4, मतलब दो कदम आगे चले, अब चार कदम पीछे चलना है। हम यहाँ से चलेंगे चार कदम पीछे, 1 2 3 4, हम पहुँचे कहाँ पर, यहाँ पर माइनस 2 के ऊपर, तो इसलिए क्या आया माइनस 2। अगर आप वैसे माइनस नहीं कर पा रहे तो नंबर लाइन से करना, बड़ा इजी रहेगा और एकदम आंसर भी ठीक आएगा। प्लस, अब देखिए 6 माइनस 8, बड़ा कौन सा है 8 है, छोटा 6 है, 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 8 है, 8 का साइन होगा माइनस का, माइनस का आएगा साइन। इसको हम करेंगे ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, अगर अंदर का साइन आता है प्लस का तो हम एज इट इज़ उसको लिख देते हैं, उस साइन को रखे हुए बाहर रख के, अगर अंदर माइनस का साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे उसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखिए 6 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और हमेशा ब्रैकेट के बाहर, हमेशा सभी के बाहर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, ये माइनस का है ये माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, हमेशा माइनस माइनस की मल्टीप्लाई जब होगी तो प्लस हो जाएगा, बाहर आएगा 2, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा माइनस आएगा 2। अभी बताऊंगा आप लोगों को मैं कैसे होता है। 6 प्लस 2 8 और माइनस 2, 8 माइनस 2 6, या फिर प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और सीधा सीधा आंसर क्या आया 6 आ गया। अब देखिए जो ब्रैकेट के बाहर, यहाँ माइनस था और अंदर माइनस था तो हमने यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ प्लस था अंदर माइनस था तो हमने माइनस लिखा है। इसका रूल ये है, अगर कभी भी ये मल्टीप्लाई किया है हमने, यहाँ पर एक तरह से हमने क्या किया, माइनस 1 इंटू माइनस 2 किया है, और यहाँ पर भी क्या है प्लस 1 इंटू माइनस 2 किया है, तो ये देख लीजिए आप। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो हमेशा हमारा आंसर आएगा प्लस में, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो हमेशा आंसर आएगा माइनस में, प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तब भी आंसर क्या होगा हमारा माइनस होगा, और प्लस की मल्टीप्लाई हम करते हैं प्लस में तो आंसर होगा प्लस में। मतलब जब हमारे सेम साइन होंगे, सेम साइन है दोनों तो प्लस होगा, अपोजिट साइन है प्लस है माइनस है, माइनस प्लस तो माइनस होगा, यहाँ पर क्या है प्लस की मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से तो भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से, सेम साइन की मल्टीप्लाई हो रही है तो भी हमारा क्या आएगा प्लस आएगा। ये है हमारा रूल मल्टीप्लाई का, कि जो हमारा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे माइनस 3 इंटू माइनस 2 क्या होगा, 3 टू जा 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो क्या आया 6, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस की के साथ हुई दोनों माइनस की, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 6 जो आएगा वो प्लस का आएगा। अब माइनस 3 इंटू 2
एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो भी क्या होगा, मल्टीप्लाई इन दोनों की होगी, 3 2 6 आएगा। साइन किसका आएगा, एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा माइनस ही आएगा, अगर एक माइनस का है एक प्लस का है, अपोजिट साइन है अगर और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस। देखिए प्लस 3 × −2, ये एग्जांपल है ऊपर वाले इसके, तो क्या होगा 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जो बड़ा है साइन उसका आएगा और हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। अब देखिए प्लस और प्लस 3 × 2, 3 2 6 साइन क्या होगा, प्लस का ही होगा, दोनों प्लस के हैं, सेम साइन है तो हमेशा प्लस ही आएगा। आंसर सभी का सेम है, साइन में चेंज है जो आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान देना है। ये क्वेश्चन और करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। एट माइनस ब्रैकेट 4 − 8 माइनस 2 − 5 प्लस 9। एट एज इट इज रहेगा, 8 − 4 करेंगे, जबकि हमें क्या करना है 4 − 8 करना है, लेकिन हम क्या करेंगे पहले बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, माइनस का साइन बाहर रहेगा ब्रैकेट के अंदर, 8 में से 4 गया, 4 बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 8 का साइन क्या है माइनस है तो आएगा माइनस, फिर ये माइनस एज इट इज आ गया नीचे, 2 − 5 5 में से 2 गए 3 आएगा, बड़ा कौन है 5 है, 5 का साइन क्या है माइनस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, प्लस 9 आएगा, फिर 8 एज इट इज़ मल्टीप्लाई करनी है हमें, ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर से जो साइन है इन दोनों साइन की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है तो हमेशा प्लस आएगा साइन, तो माइनस माइनस साइन आया प्लस का, और 4 अकेला आ जाएगा 4, या फिर आप अगर बाहर 1 मानेंगे तो 4 बन जा 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस आएगा, 3 अकेला है 3 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, ऐड करना है अब सभी ऐड करने हैं, प्लस है सभी वो ऐड कर लेंगे, 8 + 4 = 12 प्लस 9 और 3 = 12 12 + 12 = 24 आंसर। तो इसमें जो मेन बात है, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस में आ रहा है हमारा, तो हमें ये टेबल जो है याद रखना है, सेम साइन है माइनस माइनस तो भी प्लस होगा मल्टीप्लाई में, सेम साइन प्लस प्लस के हैं तब भी प्लस रहेगा, अगर कोई भी एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो हमेशा माइनस होगा, मतलब अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई कभी करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिए 12 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 12 − 8 12 में से हम क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, बड़ा कौन है हमारा, बड़ा है 12 तो माइनस का आएगा साइन यहाँ पर, प्लस 8 − 10 ब्रैकेट के अंदर है 2 आएगा, बड़ा कौन है 10 है तो साइन आएगा माइनस का। अब देखिए 12 एक प्लस का है एक माइनस का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 − 4 और 2 = 6। आप हमेशा क्या कर सकते हैं, जो प्लस वाले हैं उन सभी को एक साथ ऐड कर लो, जो माइनस वाले हैं उन सभी को एक साथ ऐड कर लो, फिर लास्ट में माइनस कर लो, 12 − 6 = 6 आंसर। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद में थोड़े और एडवांस जो क्वेश्चन है प्लस माइनस के, उसमें थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड भी होगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा, बोर्ड मास का ही लेक्चर थर्ड होगा जो प्लस माइनस का है, उसमें मैंने सारा समझा दिया है आपको, अगर आप इस टेबल को याद रखेंगे
इस टेबल को याद रखेंगे तो सब हो जाएगा। और हमेशा प्लस माइनस करते टाइम आपको क्या देखना है, जो बड़ा है हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, वो साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा साइन उसका आएगा। इसके अलावा प्लस माइनस में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू।